अभी तक आप देख रहे थे कि चीन इस्लाम के खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन अब तो कई यूरोपीय देशों ने भी इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क तो पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि उनके देश का इस्लामीकरण हो रहा है, लेकिन इन सभी के बीच इटली ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। इटली की सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे पर अब जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने यह विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक के एक खास प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में देश के गैराजों, गोदामों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि इटली में कई खाली गैराजों और गोदामों को मस्जिद बना दिया गया था। अब इसी को रोकने के लिए नया विधेयक लाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बिल के तहत इटली की तमाम मस्जिदों की जांच की जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन मस्जिदों को फंड कहां से मिलता है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो उन मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से गोदामों में बनी हुई हैं। आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस्लामी कट्टरता की विरोधी हैं। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में इसी को मुद्दा बनाया था और फिर जीत भी गई। जॉर्जिया मेलोनी अपने राष्ट्रवादी मुद्दों के चलते इटली की लोगों की पसंद बनी हुई हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कहा था कि मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलते रहते हैं। मेलोनी ने आगे कहा कि गृह युद्ध के कारण मुस्लिम देशों से त्रस्त महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं, लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष शरणार्थी आ जाते हैं। मेलोनी ने कहा कि मैं इन पुरुषों को शरणार्थी नहीं मानती हूँ। जानकारों का कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी ये मानती हैं कि इटली को शरणार्थियों से सबसे ज्यादा खतरा है, खास तौर पर मुस्लिम देशों के शरणार्थियों से।